सिख प्यारा नहीं ममरत प्यारी आहे रहनी रहे सोई सिख मेरा रहनी रहे सोई सिख मेरा ओ साहेब मैं उसका तेरा ओ साहेब मैं उसका तेरा रहने रहे सोई सिख मेरा रहने रहे सोई सिख मेरा ओ साहेब मैं उसका तेरा साहेब मैं उसका तेरा रहत बिना ने सिख कहावे रहत बिना ने सिख कहावे रहत बिना डर चोटा कवे साहेब मैं उसका तेरा ओ साहेब मैं उसका तेरा रहने रहे सोई सिख मेरा रहत बिना सुख कब हुन ले रहत बिना सुख कब हुन ले आते रहत दृढ़ कर रहे रहत बिना सुख कब हुन ले आते रहत सुदृढ़ कर रहे आते कर रहे रहने रहे सोई सिख मेरा रहने रहे सोई सिख मेरा ओ साहेब मैं उसका तेरा ओ साहेब मैं उसका तेरा रहत बिना ने सिख कहावे रहत बिना ने सिख कहावे रहत बिना डर चोटा खावे रहत बिना सुख कब हुन लहे ताते रहत सुदृढ़ कर रहे जागत जोत जपै निसबासर एक बिना मन नैक नयान जागत जोत जपै निसबासर एक बिना मन नैक नयान पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे व्रत कूर मड़ी मट फूल न माने तीर्थ दान दया तप संयम एक बिना न एक पछाने
संजम एक बिना नैन एक पछाने पूर्ण ज्योत जगे कट में तब कालस ताहे न कालस जाने रहने रहे सोई सिख मेरा ओ साहेब मैं उसका चेहरा ओ साहेब मैं उसका चेहरा प्रथम रहित यह जान खंडे की पाल छके यह जान खंडे की पहल छके सोई सिंह परदान अवर ना पहल जुल है पांच सिंह अमृत जो देव ताको सिर तर छक पुन लेवे पांच सिंह अमृत जो देव ताको सिर तर छक पुन लेवे पुन मिल पांचो रहत जो पाख कर मन में रखे शस्त्रहीन एक बू न हुए रेतवान गुर का सिंह सोए रहनी रहे सोई सिख मेरा रहनी रहे सोई सिख मेरा ओ साहिब मैं उसका तेरा ओ साहिब मैं इन्हीं मोर आगे सुनो वे प्यारे इन्हीं मोर आगे सुनो है प्यारे इन्हीं मोर आगे सुनो है प्यारे बिना केस ते गम ना ते वो दिदारे ना दे वो दिदारे बिना केस ते गम नरंग पेट जानो बिना केस ते गम नरंग पेट जानो कह कान तक किते लैस दानो कह कान तक किते लैस दानो रहे सोई सिख मेरा रहनी रहे सोई सिख मेरा ओ साहिब मैं उसका चेहरा तरे केस पाहुल बिना देखी मूर्ख सिख मेरो दर्शन नहीं दिस पापी त्याग बिक प्यारे गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह कलगीधर जी का फुरमान सतगुरां ने यह उचेचे हुक्म दिते खालसे नूं कहन लगे मेरी खालसे दे उत्ते प्रतीत तद है जे खालसे नूं मेरे उपर प्रतीत होवे ध्यान रखियो मां प्यो का विश्वास बच्चियां तो होवे ते बच्चियां का विश्वास मां प्यो ते ना होवे कलगीधर पातशाह कहिंदे इह बात तां नहीं चलनी मां प्यो तां विश्वास करन बच्चे ना विश्वास करन जां बच्चे विश्वास करन मां प्यो ना करन सतगुरु कहिंदे पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै कहिंदे पूरी प्रीति ते पूरा प्रेम गुरु प्रति होवे इह ना होवे अद्धा विश्वास किते होर बदले ते अद्धा किसे होर बदले अद्धा किसे होर नूं मन लिया अद्धा किसे होर नूं मन लिया केस रखे जां ना रखे कोई गलबात ही नहीं सिख अपने आप नूं कहा लिया बैठे हैं अपनियां मुरादां लैके तमन्नावां लैके झोली अड़ के बाबा हनुमान सिंह जिहड़े गुसाई दे पहलवानड़े होए पहलवान भी इहो जे होए भी केसा धारी दमालड़े वाले गुरु के खंडे बाटे दा अमृत छक के पूर्ण रहत बैत दे अंदर गुरु के प्रण दे उपर चलण वाले अज उन्हां दे अस्थान दे उपर आके लखां श्रद्धालु मत्था टेकदे पए क्यों क्योंकि वह पूरे सन अधूरे नू कोई कदे निवे अधूरी चीज नू कदे किसे ने नमस्कार नहीं कीती अधूरी चीज कदे कोई खांदा नहीं आपां आटा ही गुन लईए एक पासे पका दईए दूजे पासे कच्चा होवे रोटी
ता कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा। सानू पूरी चीज चाहिदी ते गुरु नू अधूरी। पातशाह कहंदे सिखा पूरा ता होला, पूरा होला पूरा, तेनू बाहरों पूरा होण दी लोड़ है। जदों बाहरों अपने आप नू पूरा कर लेंगा, अंदरों बाणी ते बाहरों बाणा, दोनों चीजें। बाणी ते बाणे दा धारनी होना सिख दा पहला कर्म है। कलगी हर पातशाह जी ने फरमान कर दिया के है, तुहाडे पास तेग नहीं, शस्त्र नहीं, जे तुहाडे पास केस नहीं, तां मत जानो कि कलगीधर पातशाह तुहानू दर्शन दे दे। सतगुरु कहिंदे जे इस रूप नू ला के आवेंगा, भाई केस भी ना होणगे ते तेग भी ना होएगी। ते कहण लगे एक उचेचा हुक्म है कि मेरे पास ना आई, मैं तेरे दर्शन नहीं करांगा। माँ प्यो नाराज हो जाण, बच्चे तो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाण, ते बच्चे नू कह देंदे तू मेरे मत्थे ना लगे, तू मेरे कदमा ते नहीं चल रहा, कहे वचना ते नहीं चल रहा, तू मत्थे ना लगे। कलगीधर पातशाह जी का कहने का भाव भी कुछ ये है, सिखा जे तू सिखी दे अंदर नहीं तो मत जानी कि तू मेरे दर ते आया, मैं अखा बंद कर लाँगा। जे आके खड़ा भी रहेगा, अखा बंद कर लाँगा, तेरे वल वेखांगा भी नहीं। हुण जिन्ने इत्थे गुरु दर ते आपां आए हाँ, आसा मनसा ते लेके आए हाँ, पर सिख तुहाने अपने आप नूं सच्चे पातशाह महाराज कलगीधर गुरदेव जी का अज इस अस्थान तो उचेचा हुक्म। हुक्म तो रोज ही हुंदा गुरु दर तो, पर आओ गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह किवें फरमान करते हैं, थोड़े समय के अंदर सुरता लैके जाइए सचखंड श्री हजूर साहब अबचल नगर। अबचल नगर बैठे गुरु मन में किया विचार, अबचल नगर बैठे गुरु मन में किया विचार, बोले पूरा सतगुरु कर नमस्कार करतार, बोले पूरा सतगुरु कर नमस्कार करतार। हुक्म हुआ प्रहलाद सिंह विपर जात हंस राय, हुक्म हुआ प्रहलाद सिंह विपर जात हंस राय, निकट बुलाया सतगुरु लीनो कंठ लगाए। भाई प्रहलाद सिंह नू आवाज मार के कहन लगे आओ हंस राय जी आ जाओ। भाई प्रहलाद सिंह इधर आओ, भाई प्रहलाद सिंह आए, सच्चे पातशाह महाराज ने छाती ना लाया, कंठ ना ला के बिठा लिया, कहन लगे बह जाओ, अज निरंकार अकाल पुरख का कुछ हुक्म हो रहा। वो हुक्म सानू हो रहा तालिम, ते असी हुक्म करांगे, असी बोलांगे, तुसी लिखी जाने। जैसी मैं आवै खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, गल तां तादी बननी है जे ज्ञान विच आओगे गुरु प्यारियो। बाणी तां कहिंदी है कि जैसी मैं आवै खसम की बाणी, पर खसम की बाणी नूं खसम दी बाणी मन लईए तां सिर झुक जाएगा। खसम दी बाणी दे अगे सिर झुका के मन लईए, जीवन मिल जाएगा। भाई प्रहलाद सिंह नूं पास बिठा के कहन लगे लाओ निरंकारी हुक्म आउण लग्या, कुछ लिखो सत्रां सिख दे जीवन दे। ते कलगीधर पातशाह बोल रहे ने, भाई प्रहलाद सिंह लिखन लगे, अब चल नगर बैठे गुरु मन में किया विचार, बोले पूरा सतगुरु कर नमस्कार करतार, हुक्म हुआ प्रहलाद सिंह विपर जात हंस राय, निकट बुलाया सतगुरु लीनो कंठ लगाए, लीनो कंठ लगाए। पंथ चले है जगत में गुरु नानक प्रसाद, पंथ चले है जगत में गुरु नानक प्रसाद,
रहत बताइए खालसा सुन भाई प्रहलाद, रहत बताइए खालसा सुन भाई प्रहलाद। कहते पूरे मनुख का एक ढांचा अकाल पुरख ने सिंजे है, उन्होंने ढांचा मेरे दिमाग के अंदर पाया है। मैनू हुक्म हो रहा है कि उस ढांचे नू, उस सूरत नू, उस स्ट्रक्चर नू, उस मूरत नू बयान करा, ते बयान करदिया करदिया किते मेरे तो कुछ रह ना जाए तुसी लिखो। भाई नंद लाल, भाई प्रहलाद, भाई देसा, गुरु के रहतनामे लिखण वाले जिन्होंने ये रहतनामे उचेचे तौर पर लिखे, तो कलगीधर पातशाह गा रहे हैं, लिखे जा रहे हुण ध्यान दे नाल श्रवण करिए। एक एक गल साडे जीवन दे नाल टुका के सतगुरु फरमान करदे कह रहे हैं, रहनी रहे सोई सिख मेरा, रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेहरा, रहत बिना ने सिख कहावे, रहत बिना ने सिख कहावे, रहत बिना दर चोटा खावे। महाराज रहत तो बगैर सिख क्यों नहीं है? सतगुरु गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह कहन लगे ने, हुण ध्यान दिओ जी, बाणी गुरु गुरु है बाणी, मनुख रहत तो बगैर कैसा है? सतगुरु गुरु अर्जन साहब सारिया का टीचा इको ही है, गुरु नानक साहब तो लैके दसम पातशाह तक, कि मनुख नू पूर्ण मनुख बनाना है, तो पूर्ण मनुख दियाँ कुछ ये निशानियां ने, श्रवण करिए। धन गुरु अर्जन देव महाराज, इन्हां खालसे की मूर्त उकरी, कहन लगे पूरा इंसान रहत मर्यादा तो बगैर क्यों जा लगता है? फुरमान कर दे कह रहे, दुध बिन तेन पंख बिन पंखी, जल बिन उद कुछ काम नहीं, दुध बिन तेन पंख बिन पंखी, जल बिन उद कुछ काम नहीं, क्या सुल्तान सलाम में होना, अंधी कोठी तेरा नाम नहीं। ये देखा भी ना हुण उडारी ना मार सकदा होवे, आजादी नाल ओढ़ी ना सकदा होवे, आकाश विच सवा पंखी है, खंभा तो बगैर कादा पंखी, दुध तो बगैर कादी गां। दो महीने, चार महीने, छे महीने, अठ महीने, असी बचपन च वेखे, साढ़े भी इलाके यही ने, असी बचपन च वेखे कि असी भी रखिया हुई सन ये पशु गावां मझां, ते कई गावां मझां बार एवें ही चुकदियां हुंदियां सन रूड़ियां दे उपर, पुछना ये कहदियां ने, बच्चे सा उदों पता नहीं ये कहदियां ने, कह लगे किसे दियां नहीं, आवारा घूमदियां पई। आवारा क्यों ने? मालक नहीं है। मालक क्यों नहीं है? तां पूरियां ने, मालक क्यों नहीं? कह लगे दुध नहीं दिंदियां। अच्छा जीवन इन्हां दा दुध करके है? कहंदे जी बिल्कुल दुध करके, जे पशु दुध ना देवे तां पशु जिहड़ा है गां जां पशु उहनूं मालक भी घर नहीं रखदा। जे पंख है, जे पंछी है उहदे खंभ ना होण तां उह भी उडारी नहीं मार सकदा। जे धरती नूं वाह लईए, वाह के बीज भी पा दईए, सुहागा मार लईए, राखी बह जाइए, चार च फेरे सारा परिवार उगेगा ही नहीं। क्यों नहीं उगेगा? कहिंदे पाणी दा ही इंतजाम नहीं, जल बिन उत भुज काम नहीं, जल तो बगैर खेती नहीं उपजनी। गुणा करके मनुख जानिया जांदा है। अज दे युग दे अंदर आइडेंटिफिकेशन वेखी जांदी उचेचे तौर ते, गड्डी चला रहे हैं, दिखा तेरा आईडी कार्ड किधर, आइडेंटिफिकेशन तेरी किथे, लाइसेंस तेरा किथे, पायलट है वखा, डॉक्टर है वखा, वकील है, केड़े केड़े महकमे च गए हैं, केड़ी केड़ी गल नूं तू हासिल कीता है, जेड़ा तेरे कोल कोई सर्टिफिकेट है उस तो बगैर तू नहीं जानिया जा सकता। जे तेरे कोल नहीं ना सर्टिफिकेट, भावें जिन्ना मर्जी सियाना होवे, नहीं तैनू डिग्री मिलेगी, नहीं तैनू प्रमोशन मिल, तैनू कोई अटेंड भी नहीं करेगा, कहेगा ये फर्जी तौर पर मनुख बनिया, ये नकली है, डुप्लीकेट। पातशाह कहिंदे फिर इसे तरह ही, रहत बिना न सिख कहावे, रहत बिना दर चोटा खावे, रहत तो बगैर दर दर धक्के खाने पैंदे ने। ते सतगुरु कहंदे मेरा सिख धक्के खांदा नज़र आवे। कलगीधर पातशाह कहंदे प्यो दे सामने पुत्र नूं धक्का वजे, प्यो दियां अखां विचों आंसू आ जांदे ने, प्यो दियां अखां च आंसू आ जांदे ने, पुत्र नूं धक्के पैण तां
ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੌਰ। ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਮਦੂਤ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੌਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਧਰਮਰਾਜ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕੌਰ ਤਾਂ ਲਿਖਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਕੇ ਵਧੀਕ ਸਿੰਘ ਲਿਖਾ ਲਿਆ, ਕੌਰ ਲਿਖਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਬਾਹਰਲੀ ਬਣਤਰਤਾ ਬਣਾ ਲਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਬਹਿਤ, ਨਾ ਰਹਿਣੀ, ਨਾ ਬਹਿਣੀ, ਨਾ ਕਹਿਣੀ, ਨਾ ਸਹਿਣੀ, ਅੰਦਰਲਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਜੀਵਨ ਵੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਕੇ ਵਧੀਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਪ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਰਾਜ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੇ